शिमला एसएफआई ने शुक्रवार को विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और छात्रों में हल्की झड़प भी हुई। छात्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्रों में काफी जोश दिखा। एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा, पुलिस हमें रोकने का प्रयास ना करे, हमारी लड़ाई सरकार से है, पुलिस से नहीं। एसएफआई चौड़ा मैदान में इकट्ठा होने नहीं आई, विधानसभा का घेराव करने आई है, उन्हें रोकने का प्रयास ना करें। आज एसएफआई डीवाईएफआई की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी विधानसभा के बाहर जो ये विधानसभा घेराव का हमने एक आह्वान किया था, वो हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों से होते हुए तीन अलग अलग जत्थों के माध्यम से आज 12 तारीख को यहाँ विधानसभा के बाहर पहुँचा है। हमने सरकार से सिर्फ चंद सवाल किए थे कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और त्रिपुरा के बाद आज अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी तीव्र गति से बढ़ने वाला राज्य बन चुका है तो क्या ये सरकार उसका श्रेय लेना चाहती है या उससे भी किनारा करते हुए इसे विपक्ष के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 4 साल के अंदर एक बार भी एक भी कॉलेज प्रोफेसर की भर्ती नहीं हुई है। कॉलेज कैडर की भर्ती अंतिम साल के अंदर जो सरकार करने जा रही है उस भर्ती में किस तरीके से नियमों को बदला गया है। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती है कॉलेज कैडर के अलावा, चाहे वो एलाइट्स के एग्जाम होते हैं, चाहे एचएस का एग्जाम होता है, उसमें नाम मात्र इंटरव्यू है, लेकिन कॉलेज कैडर में 100% इंटरव्यू करने का मकसद सिर्फ एक है कि किसी विशेष विचारधारा के लोगों को, आरएसएस भाजपा से जुड़े लोगों को बिना योग्यता के उनको नियुक्ति देने के लिए नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो हम यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखते हैं, चाहे वह केंद्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हो या टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर हो, वहाँ पर किस तरीके से यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस यूजीसी के नियमों को बदला गया और एक विशेष विचारधारा के लोगों को बिना योग्यता की नियुक्ति दी गई। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर हम पूरे हिमाचल प्रदेश में अभी अलग अलग कॉलेजों के अंदर विजिट किए, हमने देखा कई कॉलेज ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर के सहारे चल रहे हैं। भलई के अंदर चंबा में एक कॉलेज है, वहाँ आंगनबाड़ी के अंदर कॉलेज चल रहा है, 250 बच्चे आंगनबाड़ी के अंदर अपनी क्लासेस लगाते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक टीचर है। नदौन कॉलेज के अंदर कॉमर्स का सिर्फ एक टीचर है। चंबा के अंदर वही हालात है, भरमौर के अंदर वही हालात है, सिरमौर के हरिपुरधार के अंदर वही हालात है, रोनाट के अंदर यही हालात है। उसके अंदर अगर टीचर नहीं होंगे तो छात्र किस तरीके से पढ़ पाएगा। टीचर देने के लिए एक स्कीम हमारी सरकार ने लाई, पीटीए के नाम पर छात्रों से 600 रुपए फीस ली जाती है। एक एवरेज के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 11 करोड़ पीटीए के नाम पर एक साल के अंदर इकट्ठा होता है। वो कहाँ खर्च होता है हम उसकी जानकारी सरकार से लेने के लिए आए हैं। सवाल सिर्फ इतना है, लेकिन हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से भी अपील करना चाहते हैं कि हम चौड़ा मैदान में इकट्ठा होने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ से 400 मीटर दूर बैठी सरकार जो अपना अंतिम सेशन कर रही है उससे बातचीत करने के लिए आए हैं कि जो 4 साल से छात्र भुगत रहा है, नौजवान जिस पीड़ा को महसूस कर रहा है, क्या उसमें कोई कमी होने वाली है, क्या उसकी पीड़ा कम करने के लिए कोई कानून बनने वाला है, हम ये पूछने के लिए। हमने बातचीत की है पुलिस के साथियों से, ये छात्रों का जनवादी अधिकार है, हम पीसफुल तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ से विधानसभा के बाहर जाना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता है कि सरकार या पुलिस को उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं।